नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट मतलब के की वैल्यू दी हुई है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड. हाउ मच टाइम, यहां से टी की वैल्यू निकालनी है, विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन. जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका रिडक्शन हुआ है कितने से, 1/6 से. देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला क्या है, डेट इज यहां से रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी है, तो टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के एंड लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन. इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली राइट व्हाट इज गिवन आउट. वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के इज 60 पर सेकेंड. इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज आर, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज आर नॉट, ओके, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन बाय द 1/60. नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम हियर. हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा. सी नाउ पुटिंग द वैल्यूज, टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, के डेट इज 60 पर सेकेंड, लॉग ऑफ आर नॉट एंड आर नॉट अपॉन में 16. व्हेन वी सॉल्विंग दिस, व्हेन वी सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हेयर, सी लॉग आर नॉट अपॉन में आर नॉट बाय 16. फ्रॉम हेयर आर नॉट कैंसिल एंड लॉग ऑफ 16 कम्स फ्रॉम हेयर. एंड वी नो डेट लॉग 16 मतलब लॉग 2 की पावर 4 हेयर, 16, 2 की पावर 4 हेयर. नाउ दिस 4 टेकन इन द फ्रंट, सो ये पावर जो है, जो भी पावर होती है वो आगे लिखते हैं, डेट इज 4 एंड लॉग ऑफ 2. एंड वी नो डेट लॉग 2 की वैल्यू, डेट इज 4 × 0.3010. नाउ मल्टीप्लाइंग दिस, 0, 4, 0, 4, 12 डेट इज 1.2040. तो यहां से जो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू हेयर, डेट टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 16 इंटू में 1.204. दिस इज अप्रोक्स 12 हेयर. एंड इफ वी टेकिंग दिस लाइक दिस, तो यहां से क्या आएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 और यहां से क्या आया, 10 की पावर 2. मल्टीप्लाइंग दिस, तो 6, 0, 6.4 एंड दिस इज 10 की पावर 2 है. ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेट इज इंटू में 10 की पावर -2. एंड टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में, यूनिट जो है रेट कॉन्स्टेंट सेकंड दिया हुआ. कौन है, एंड टाइम जो है यहां पे किस में आएगा, सेकंड में. तो टी इक्वल्स टू 4.606 × 10 की पावर -2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.